याद हर साल यू नो फैंस ने वेट किया आपको बिग बॉस के घर के अंदर देखने के लिए, लेकिन फाइनली वो हुआ, आप घर के अंदर गई और फाइनलिस्ट बनकर अब घर के बाहर है, इस बात पर आज भी यकीन हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड द रियलिटी हाउस एंड द रियल हाउस, डिफरेंस पता चलता है। और कैसा लग रहा है नो घर के बाहर आके, ऐसा तो हम तो देख रहे हैं पार्टीज एंड ऑल बहुत ही ज़्यादा लाइफ एंजॉय कर रही है, कि वो जो घर के अंदर वाला टाइम था उसे भुला कर और लाइफ एंजॉय फुल ऑन कर रही है। यस आप बताइए थोड़ा सा कि मतलब यू नो फीलिंग क्या है घर के बाहर आने के बाद? बहुत डिफरेंट फीलिंग है, लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट हियर इनसाइड द बिग बॉस वर्ल्ड, इट्स वेरी डिफरेंट। वो बिग बॉस हाउस का नाम ना बिग बॉस वर्ल्ड रखना चाहिए, हाउस नहीं रखना चाहिए। व्हाट यू गाइस यूज्ड टू सी वन वन हाफ का एपिसोड, और हम 24 घंटे घर में रहते थे, तो चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। एज व्यूअर्स मैंने जब देखा था, व्यूअर के हिसाब से तो बहुत ही अलग होती है, एंड एज कंटेस्टेंट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। सो ये जर्नी आपको कुछ शब्दों में बताना डिफिकल्ट है, बता नहीं सकती मैं। मैं दो दिन फ़ोन से दूरी थी, 15th आई केम आउट, 16, 17 आई डिडंट टच माई फ़ोन, आई डिडंट आस्क फॉर माई फ़ोन, आई वॉज जस्ट ईटिंग, एंड 17 को मेरे पास जब फ़ोन आया तो मैं पिन भूल गई, तो मुझे कुछ याद ही नहीं था। 18 को मैंने फ़ोन ख़रीदा, मैंने फ़ोन लिया तो मैं फ़ोन यूज़ करना भूल गई, क्योंकि मुझे ऐसे टच तो पता चल रहा था, फंक्शंस ऑपरेट करना भूल चुकी थी। ऑफ़ कोर्स वी आर फ्रेंड्स, हमारी लाइफ घर के अंदर डेफिनेटली अलग थी, एंड वी बिकेम फ्रेंड्स इनसाइड द हाउस, एंड आई थिंक मैं पहले सोच रही थी कि मुझे बहुत टाइम लगता है किसी के साथ दोस्ती करने में, बट आई रियलाइज इनसाइड द हाउस आई बिकेम मोर क्लोज टू देवो, विशाल एंड आसिम। वहाँ वक्त इसलिए नहीं लगा क्योंकि जो जो हर हफ्ते जो आप हमें देखते थे, वो एक ऐसा लगता था नया युग आ रहा है, एवरी वीक समथिंग और द अदर इज़ हैपनिंग, सो देवर द ओनली सपोर्ट आई हैड। एंड बाहर आके अब वो अपनी लाइफ में बिजी है और वो बहुत अच्छा ग्रो कर चुके हैं और करने वाले हैं, कर भी रहे, सो जब होता है तब मिलते हैं, नहीं होता नहीं मिलते हैं। ट्रू ट्रू, लेकिन ये एक चीज़ जो बाहर आने के बाद में सरप्राइजिंगली हमारे लिए आई वो ये है कि घर के अंदर माहिरा के साथ में आपकी इतनी ज़्यादा नहीं जमी, लेकिन बाहर आने के बाद अब देख रहे हैं फ्रेंडशिप हो गई है थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए दोनों, क्योंकि मीटिंग और सेल्फीज बहुत ही देखने के लिए मिल रही है। मायरा के साथ फ़ोन पे रोज़ कम्युनिकेशन होता है, बट आई एम सो सॉरी, कैन यू प्लीज कीप। माहिरा के साथ मेरा कम्युनिकेशन फ़ोन पे रोज़ होता है, इट्स लाइक आई एम टॉकिंग टू माय हाउसमेट, मेरे घर के किसी इंसान से बात कर रही हूँ, मेरे साथ जो रोज़ रह रहा है डे टू डे की लाइफ में, एंड शी इज़ वेरी क्यूट, यू मस्ट हैव सीन हर फाइटिंग, बट शी ऑल्सो हैज़ अ वेरी क्यूट साइड, एंड आई ऑलवेज यूज टू ट्रीट हर लाइक अ चाइल्ड। तो मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं था हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बट इवेंचुअली घर के बाहर होके पहली कंटेस्टेंट है वो जिसके साथ मेरी बात हुई, एंड शी हर्सेल्फ कॉल्ड, एंड आई वॉज लिटिल अमेज्ड टू नो दैट, बट आई एम वेरी हैप्पी। कहीं ना कहीं बारिश के होने की वजह से आपका और उसका यू नो कम्युनिकेशन गैप रहा घर के अंदर, और अब जब पारस इतने ज़्यादा क्लोज नहीं रहे घर के अंदर बाहर आने के बाद, तो आपके साथ में मायरा की थोड़ी ज़्यादा समझने लग गई है मायरा। आपके सवाल से मुझे जवाब मिला है, आपने ये सवाल का जवाब जो दिया है मुझे, उससे पता चलता है कि पारस हमारे बीच में जो दुश्मन बना हुआ था वो अब है नहीं, तो हमारा बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ओके, तो पारस और शहनाज की अगर बात की जाए, शहनाज और पारस दोनों अपने अपने शो के अंदर बिजी हैं, कैसा लग रहा है उनको देखकर, और क्या लगता है ये जो उनकी जो स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग में थी, जो शहनाज का पारस को अप्रोच करना लेकिन पारस का उनकी तरफ नहीं अट्रैक्ट होना, और अब एक साथ एक शो में रहना, ये स्ट्रैटेजी टाइप लगता है, गेम प्लान लगता है, या फिर लगता है कि चलो डेस्टिनी थी, हो गया मिल गया शो? I don't know and I can't comment on this thing because it's about their profession and the show is given by the channel. So, ab unki strategy ya unke choices ke upar question nahi kar sakti hu main kyunki mujhe nahi pata hai. And rahi baat jo show wo kar rahe hai uske liye, I'm not following up properly. I'm being very honest.
क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत डाउन चल रही थी और मैं ही कुछ खाने पीने में इतनी उलझी हुई हूँ कि मुझे ये खाना है. सो आई एम ऑलवेज विद माई फ्रेंड्स अराउंड, मूवी देख रही हूँ मैं. सो आई डोंट इवन नो उनके शो में क्या हो रहा है, बट उनके शो में बलराज जो कंटेस्टेंट है उसके बारे में पता चलता है. आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम. और अब जब लाइफ एंजॉय कर रही है, अब नॉर्मल लाइफ में आने का क्या, कब का प्लान है कि कब काम स्टार्ट करना है और कब अपने नॉर्मल रूटीन में आने का, कब से डिसाइड? आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग, कम्युनिकेटिंग विद द पीपल आई नो, एंड डेफिनेटली अगर कुछ स्ट्रांगली कंफर्म हो जाएगा आई विल डेफिनेटली लेट यू नो. I really wish to be part of that show because that's one of my favorite show. और मैं हमेशा encourage करती हूँ मेरे दूसरे friends को. तो अगर मुझे मौका मिलेगा मैं वापस जाऊँगी, but इस साल तो मैं नहीं जा रही. Okay, so इसके अलावा रश्मि, you know, आपकी journey Big Boss के घर के अंदर काफी exciting तो रही, लेकिन बाहर से एक बहुत ही अलग रश्मि घर के अंदर नजर आई. लोगों कुछ ने पसंद किया, कुछ ने नहीं किया. मैंने घर में जो सोच कर गई थी उससे कहीं ज़्यादा विपरीत मेरे साथ चीज़ें हुई है, लेकिन बेटरमेंट के लिए हुई है. आसान नहीं था, कठिनाइयाँ इतनी आई, लेकिन उस कठिनाइयों से भी निकल के जब आप बाहर आते हो तो वो भी आपको बहुत कुछ रिटर्न में दे जाता है, और मुझे मिला है उस घर से बहुत कुछ. एंड थैंक्स टू सलमान सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड थैंक यू टू lot of other people who have supported me. Rashmi, you know, Aarti ka ek statement hai ki main Rashmi ke sath dosti na sirf ghar mein lekin ab ghar ke bahar bhi nahi rakhna chahungi. Ye statement kya lagta hai, show ke baad mein bilkul bhi valid nahi hai Aarti ke liye, aur cheeze sab bahut hi forward aage nikal gayi hai, ya fir abhi is bare mein kuch conversation hui aap logon ki show ke bahar? शो के बाहर आने के बाद सुबह ही मैं यहाँ आने से पहले उसके साथ फेस टाइम करके आई, और मैंने शो में भी कहा है. वो बस उसने गुस्से में बोला होगा, बट आई नो शी डजंट मीन ऑल दैट. एवरी वन इज आस्किंग मी कि सिद्धार्थ के साथ कैसी. मेरी सिद्धार्थ के साथ बहुत अच्छी है. मैं उसको घर के अंदर भी बोलती थी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, शायद उसीलिए हम लोग बहुत लड़ाई करते थे, बट आई डोंट नो, हम बाहर आए मिले नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है ऑनेस्टली. I don't know about Siddharth, but with me, so I have come out, went out with my friends for the dinner outing. मुझे खुद को बाहर जाने में थोड़ी सहम जाती हूँ, but मेरे friends मुझे बाहर निकाल देते हैं खींच खींच के, तो मैं जाती हूँ. मैंने lunch भी किया है, movie भी देखी है, सब किया है. So I am there everywhere and having a normal life and trying to be in it. ऐसा कोई नहीं है मेरे. मैं पहले ऐसी थी कि दिल में रखती थी, बट आई थिंक मुझे अब ऐसा कुछ दिल में है नहीं. जो आप मुझसे जैसे मिलोगे मैं आपसे वैसे मिलूंगी. और रश्मि, यू नो, बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप घर के अंदर गई थी तो कुछ एक स्ट्रेटजी लेके गई थी, और जो ये जो पर्सनल लाइफ है, ये सारी चीज़ें जो डिस्कस हुई वो सारी इसीलिए हुई थी क्योंकि ये आपकी स्ट्रेटजी थी. इस चीज़ के लिए अपने ऑडियंस से, अपने फैन से कुछ कहना चाहती हूँ? मेरी स्ट्रैटेजी होती तो कोई अपनी लाइफ की किताब खोलता नहीं है, और अगर जो ऐसे सोच रहे हैं तो वो बहुत ही बेवकूफ़ लोग हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई ऐसे खुलासे करे. बट जो शो के अंदर हुआ, इट वाज अ रियलिटी शो, इट वाज ऑल रियल, एंड कहीं ना कहीं आई वुड से दैट आई वाज कनेक्टेड टू ऑल द गुड पीपल, सो दैट इज़ द रीज़न आई एम ब्लेस्ड टुडे. थैंक यू, आई लव टू गिव, सॉरी.